निजाम विफाक की हुकूमत का जाते जाते करारावार, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा, नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 44 पैसे लीटर महंगा, लाइट डीजल 1 रुपये 14 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 170 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे बरकरार। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम लाल पीले हो गए, शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, कहा गरीब के लिए गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल हो गया, पेट्रोल महंगा होने से अशिया जरूरियात मजीद महंगी हो जाएंगी। पंजाब में तकरार तबादलों पर पाबंदी आए, ताहुकुमसानी तमाम अहदों पर अफसरान और मुलाजमीन के तकरार तबादले नहीं होंगे, पाबंदी का इतलाक फौरी होगा, सेक्टर वज़ीरे आला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीरे आला पंजाब से बजरिया समरी इजाजत लेना होगी, वज़ीरे आला को मुकम्मल वजूहात से भी आगाह करना लाजिम होगा। पंजाब के 3 बड़े शहरों में मेडिकल सिटी बनाने का टास्क, बुनियादी दही तिबी मराकज तहसील और टीएचक्यू अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी होगी। वज़ीरे आला मरियम नवाज की प्लान मुरातब करने की हिदायत, मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर मुहैया करने का फैसला, 1 मई से प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू होगा। पंजाब की आबादी का मुस्तनद डाटा मुरतब करने का हुक्म, हर बच्चों की पैदाइश पर डाटा खुद ब खुद अपडेट करने का तरीका वज़ा करने की हिदायत। वज़ीरे आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, पंजाब का पहला मुस्तनद डाटा बेस और डाटा बेस अथॉरिटी के लिए सिफारिशात पर गौर, मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। वज़ीरे आला की हिदायत के बावजूद टीपा की नहरी बरकरार, शहर के पार्किंग प्लाजों के सामने राइट ऑफ वे बहाल न करा गया, टीपा ने बिल्डिंग पार्किंग स्पेस रेगुलर 90 के बजाय 60 दिन में कराना थी, बड़ी नहली सामने आ गई। वज़ीरे आला ने ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए रास्ते साफ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीरे आला ने सूबे भर में तजावजात हटाने के लिए इंतजामिया को 1 माह की मोहलत दे दी, दुकानदार सामान अपनी दुकानों की हदों में रखें, इंतजामिया को हिदायत वॉल चौकिंग खत्म करने की भी हिदायत कर दी। मरियम नवाज का अशिया जरूरियात की कीमतों को कंट्रोल करने का हुक्म, चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला लिख दिया। सदारती इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी, सदर ममलिकत के चुनाव के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 2 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, पोलिंग सुबह 10 से 4 बजे तक होगी, पंजाब के वोटर्स सुबह असेंबली में वोट कास्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने सेनेट की खाली नशिस्तों के लिए दरखास्तें तलब कर ली, दरखास्तों के साथ 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट मुंसलिक करना होगा। दूसरी तरफ आसिफ सरदारी ने पंजाब उमूर बारे कमेटी कायम कर दी, कमेटी में नदीम अफसल चंद और सैयद अली कासिम गिलानी शामिल। साइबर क्राइम के केसेस अब पुलिस भी डील करेगी, पुलिस में साइबर क्राइम यूनिट एडिशनल आईजी के मातहत काम करेगा, 5,000 की नफरी काम करेगी, खातिन और बच्चों के साथ हरासानी और पोर्नोग्राफी यूनिट काम करेगा, 2,000 आईटी एक्सपर्ट भर्ती किए जाएंगे। पोलियो मुहिम का 5वां रोज, गफलत और सुस्ती बरतने वालों के खिलाफ डीसी का सख्त एक्शन, 2 एहलकार मुअत्तल, 22 को शोकॉज नोटिस जारी, निश्चल जोन के 6 अफसरान, समनाबाद 2, इलामा इकबाल जोन के 4 अफसरान, कैंट के 7 अफसरान से वजाहत तलब। अदी स्ट्रीट गवाल मंडी में इंतजामी अदम तवाचो, बेहंगम तारों के गुच्छे मकीनों के लिए वबाले जान बन गए, करंट लगने के मुतादिद वाकयात रूनुमा हो चुके, बेहंगम तारों और बिजली का निजाम बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होने का खतरा। लेस्को ने 2.5 मरले के रिहायशी 3 नाबीना अफराद को 3 लाख बिजली बिल भिजवा दिया, अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनकता होने पर नाबीना अफराद हाईकोर्ट पहुंच गए, अदालत का नेपरा और लेस्को से जवाब तलब, जिम्मेदार अफसर को भी पेश होने का हुक्म। जलाओ घेराव के 7 मुकदमा, बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में अहम पेशरफ, एटीसी ने बानी की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी, वकील बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर ने दलाल दिए, प्रोसिक्यूशन की जमानत में तौसी की मुखालफत।
वर्ल्ड बैंक के वफ्द की सेक्रेटरी बलदयात डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात, पंजाब सिटीज प्रोग्राम का दायरा कार फैलाने से मुतालिक एजेंडे पर गौर, पीसीबी प्रोग्राम का कारकर्दगी और यूटिलाइजेशन प्लान का जायजा लिया, वर्ल्ड बैंक के वफ्द की जानिब से मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी कराई गई। माधोलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात कल से शुरू होंगी। तीन रोजा तकरीबात का आगाज रस्मी चादर पोशी से होगा। कल अदालतें बंद रहेंगी। हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट और सेशन और सिविल अदालतों में मकामी तातील होगी। छुट्टी के बावजूद लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक का इम्तिहान लिया जाएगा। उसके मौके पर आज देसी कश्ती के मुकाबले भी होंगे। बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए ईट सेफ किड्स कैंपेन का आगाज। यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जेर एहतमाम मुहिम का आगाज। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, सेक्रेटरी एजुकेशन एहसन वहीद ने इफ्तिताह किया। वालिदैन और साथसा को भी खुराक से मुतालिक आगाही की जाएगी। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जेर एहतमाम तकरीब। ड्रामा आर्टिस्ट राशिद महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने सदारत की। बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्चों में मुख्तलिफ अवार्ड्स तकसीम किए गए। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड टू, पाकिस्तान और अर्दन के मैचेस की मेजबानी खतरे में पड़ गई। फीफा इंस्पेक्शन ऑफिसर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इंतजामात से मुतमईन ना हुए तो मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल होने का इम्कान है।